वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश गजमुख गजानन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका मुख गज यानी हाथी का है। भगवान गणेश का यह स्वरूप विलक्षण और बड़ा ही मंगलकारी है। आपने भी श्री गणेश जी के गजानन बनने से जुड़े पौराणिक प्रसंग सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं गणेश जी का मस्तक कटने के बाद उसके स्थान पर गजमुख तो लगा, लेकिन उनका असली मस्तक कहाँ गया? चलिए आपको बताते हैं। श्री गणेश जी के जन्म के संबंध में दो पौराणिक मान्यता है। प्रथम मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती ने श्री गणेश जी को जन्म दिया, तब इंद्र चंद्र सहित सारे देवी देवता उनके दर्शन की इच्छा से उपस्थित हुए। इस दौरान शनिदेव भी वहां आए, जो श्रापित थे कि उनकी कूट दृष्टि जहां भी पड़ेगी वह हानि होगी। इसलिए जैसे ही शनिदेव की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी और दृष्टिपात होते ही श्री गणेश जी का मस्तक अलग होकर चंद्रमंडल में चला गया। इसी तरह दूसरे प्रसंग के मुताबिक माता पार्वती ने अपने तन के मैल से श्री गणेश जी का स्वरूप तैयार किया और स्नान होने तक गणेश जी को द्वार पर पहरा देकर किसी को भी अंदर प्रवेश से रोकने का आदेश दिया। इसी दौरान वहां भगवान शंकर आए। जब श्री गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका, तो अनजाने में भगवान शंकर ने श्री गणेश जी का मस्तक काट दिया, जो चंद्रलोक में चला गया। बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट पार्वती को मनाने के लिए कटे मस्तक के स्थान पर गजमुख दहाती का मस्तक जोड़ा। ऐसी मान्यता है कि श्री गणेश का असल मस्तक चंद्रमंडल में ही है, और इसी आस्था के कारण धर्म परंपराओं में संकट चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन व अग्र देकर श्री गणेश जी की उपासना व भक्ति द्वारा संकट नाश व मंगल कामना की जाती है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवारजन एवं मित्रजन के साथ शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।